हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को अभी तक दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह इस नए साल में भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सालू वेज किचन में बनने जा रहा है न्यू ईयर स्पेशल पिस्ता गुलाब जामुन केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो आइए चलते हैं फटाफट से इसे बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले केक के लिए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बेस बनाएंगे। उसके लिए एक बड़े बर्तन में एक कप पिसी हुई चीनी ले लेंगे। इसी के साथ एक कप दही ले लेंगे। अब सबसे पहले चीनी और दही को हैंड विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसी के साथ 2 चम्मच पिस्ता एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास पिस्ता एसेंस अवेलेबल नहीं हो तो इसके जगह आप वेनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आती है बारी हाथ को थोड़ा सा तकलीफ देने की, मतलब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने की। आप इसे मिक्स करने के लिए हैंड विस्कर या इलेक्ट्रिक विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते हुए तब तक मिक्स करना है जब तक ऑयल दही और चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स न हो जाए। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल दही चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसी में 2 कप मैदा को छान कर ले लेंगे। मैदा को जब भी यूज़ करें केक के लिए उसे छान कर ही यूज़ करें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार का लम्स न रहे। अब मैदे को भी दही चीनी ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद 1/2 कप दूध ले लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए केक का बैटर रेडी कर लेंगे। केक बनाने के लिए जो हम दूध यूज़ करेंगे न ज़्यादा गर्म हो और न ही ज़्यादा ठंडा हो। ये देखिए केक का बैटर भी बन के रेडी है, न ज़्यादा गाढ़ा है और न ही ज़्यादा पतला है। अब इसे बटर पेपर लगा हुआ केक टिन में डाल देंगे। हमने यहाँ हार्ट शेप का केक टिन का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के किसी भी शेप के केक टिन का यूज़ कर सकते हैं। अब बैटर डालने के बाद केक टिन को 1 से 2 बार टैप कर लेंगे, जिससे उसके अंदर बबल्स ना हो। इधर हमने कढ़ाई में एक रिंग डालकर गैस पर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। प्रीहीट किए हुए कढ़ाई में अब केक टिन को हम डाल देंगे। अब कढ़ाई को ऊपर से ढककर 40 से 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए एक चाकू को इस तरह से डालेंगे। ये देखिए चाकू पूरी तरह से क्लीन निकल रहा है। अब बहुत ही सावधानी के साथ केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ऊपर से एक क्लीन टॉवल से उसे ढक देंगे, जिससे केक का बेस ऊपर से भी सॉफ्ट बना रहे। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे इसके लेयर कट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब तक केक का बेस पूरी तरह से ठंडा होगा तब तक हम केक के लिए क्रीम बनाकर रेडी कर लेंगे। क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ क्रीम पाउडर का यूज़ किया है। आप इसकी जगह व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अब क्रीम पाउडर को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब जितना क्रीम पाउडर हो उतना ही चिल्ड मिल्क इसमें डालेंगे। मीन्स दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखना है। हम क्रीम बनाने के लिए 500 ग्राम क्रीम पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने केक के साइज़ के अकॉर्डिंग क्रीम पाउडर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे इलेक्ट्रिक विस्कर से मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच पिस्ता एसेंस डाल देंगे। आप इसकी जगह वेनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फुल स्पीड इलेक्ट्रिक विस्कर से तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका टेक्सचर इस तरह से क्रीमी न हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालकर इसे फिर से दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर का क्रीम बनकर रेडी है। हमें पिस्ता गुलाब जामुन के लिए इसी कलर का क्रीम चाहिए। तो अब इसे भी फटाफट से फ्रीज में 1/2 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। इधर केक को डेकोरेट करने के लिए गुलाब जामुन भी रेडी है। कुछ बड़े पीस हैं और कुछ छोटे पीसेज हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। और केक को सोक करने के लिए गुलाब जामुन का सीरम भी हमने अलग निकाल के रख लिया है। हमने केक बनाने की पूरी तैयारी करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं फटाफट से केक को डेकोरेट करने के प्रोसेस में।
अब केक को फ्रीज से 1 से 2 घंटे के बाद निकाल लिया है, अब इसे डीमोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बनकर रेडी है। अब इसका बटर पेपर भी हम हटा देंगे। फ्रीज में रखने के बाद इसके लेयर कट करने में बहुत ही आसानी होती है। कितने बिगनर्स होते हैं कि उन्हें लेयर कट करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब चलते हैं इस स्पॉन्जी केक की लेयर कट करने के प्रोसेस में। लेयर को कट करने के लिए हमें हमेशा धार वाले चाकू का यूज़ करना चाहिए। प्लेन वाले चाकू से केक का लेयर कभी भी अच्छा नहीं कटता है। सबसे पहले हम किनारे किनारे से निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम पूरा एक लेयर कट करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट लेयर को कट कर लिया है हमने। ये अंदर से भी कितना जालीदार बन के रेडी हुआ है। इसी तरह हम दूसरे लेयर को भी कट करके रेडी कर लेंगे। अगर आपको केक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए दूसरा लेयर भी कट हो गया है। अब केक का बेस ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद केक के लास्ट वाला लेयर इस पर रखेंगे और इसे शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। केक के हर लेयर पर शुगर सीरम को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, जिससे केक हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगा। ये देखिए शुगर सीरम अच्छे से लग गया है। अब इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे, इसे चाकू की हेल्प से चिकना कर देंगे। क्रीम अच्छे से सेट हो जाने के बाद उसके ऊपर गुलाब जामुन के पीसेस का एक लेयर लगा देंगे। हमने केक को डेकोरेट करने के लिए गुलाब जामुन का यूज़ किया है। अगर आपके पास गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ला या रसमलाई अवेलेबल हो तो आप उसका भी यूज़ इसी तरह कर सकते हैं। गुलाब जामुन की पीसेज अच्छी तरह से लग गई हैं। अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे और उसे भी शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। ध्यान रहे केक के हर लेयर को शुगर सीरम से सोक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे भी क्रीम से इसी तरह से कोट कर लेंगे और उसके ऊपर भी गुलाब जामुन इस तरह से लगा देंगे। अब बारी आती है केक के टॉप लेयर की। इसे टॉप साइड से ही शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोक कर देंगे और इसे पलट कर केक के ऊपर रखेंगे और ऊपर से भी शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। केक के इस लेयर को पलट कर रखने से ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सोक हो सकता है। सोक होने के बाद इस पर हम क्रीम लगाएंगे। सबसे पहले हम टॉप में लगाएंगे, उसके बाद इसके चारों तरफ क्रीम लगाकर नाइफ की हेल्प से इसे चिकना कर लेंगे। ये देखिए केक पर क्रीम अच्छी तरह से लग गया है। अब केक के साइड साइड लाइनिंग वाली डिज़ाइन बना देंगे, जिससे केक देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लाइनिंग डिज़ाइन बन के रेडी है। अब इसे साइड से और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए इसे हम पिस्ते से डेकोरेट कर देंगे या अपने पसंद से आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं। अब केक के टॉप को डेकोरेट करेंगे। इसके साइड साइड सबसे पहले हम नोजल की हेल्प से फ्लावर बना लेंगे और कुछ क्रीम को हम बीच में भी लगा देंगे, जिससे गुलाब जामुन इस पर रखने पे वो उभरे हुए नज़र आएं। अब बीच में गुलाब जामुन को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब साइड साइड चेरी भी लगा देंगे। ये देखिए चेरी भी लग गया है। अब ऊपर से कुछ कटे हुए पिस्ते को गुलाब जामुन के बीचों बीच इस तरह से डाल देंगे। इसी के साथ केक को गुलाब की पत्तियों से चारों तरफ से अच्छी तरह से डेकोरेट कर देंगे, जिसे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब लास्ट में केक के नीचे की तरफ भी नोजल की हेल्प से कोई भी फ्लावर या फिर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप बना दें। ये देखिए केक पूरी तरह से बन के रेडी है। हम इसे कट करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना अंदर से भी सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो इस पिस्ता गुलाब जामुन केक को आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो ऐसे ही स्पेशल रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।